हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब कढ़ाई में मैं एक कप घी डालूंगी। ये मैंने एक कप से मेजरमेंट कर लिया था, ये एक कप घी है। और अब इस घी को अच्छे से गर्म होने दूँगी। जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें बेसन डालूँगी। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है, ये देखिए हल्का हल्का धुआं इसमें आने लगा है। ये मैंने दो कप बेसन डाला है और ये जो घर का बेसन होता है ना, थोड़ा सा दानेदार, वो वाला बेसन है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मैंने गैस को बिल्कुल लो आंच में कर दिया है और इसको लगातार ही चलाते रहना है। अगर आप इसको तेज आंच में भूनेंगे तो ये फिर जल जाएगा, इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब लड्डू बेसन के बनाते हैं तो वो गले में चिपकता है खाने में। तो वो इसलिए चिपकता है क्योंकि बेसन उनका अच्छे से भुना नहीं होता है, कच्चा रहता है। अगर इसको आप अच्छे से भूनोगे तो इसके लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसको हमेशा चलाते रहना है, ये नहीं कि आप इसको छोड़ दो और फिर कुछ काम करने लगो तो ये फिर जल जाएगा, लाल पड़ जाएगा, लेकिन अच्छे से भुनेगा नहीं। इसलिए इसको लगातार चलाते रहना है। अब बेसन अच्छे से भुन गया है, इसमें अच्छी सी अरोमा आने लगी है। अगर आपको लगे कि आपका बेसन सूखा है तो उसमें आप ऊपर से घी डाल सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप चाहो तो इसको एक अलग बर्तन में निकाल लो, लेकिन मैंने इसको नहीं निकाला है, इसको ठंडा होने दूंगी। इसको भी मैंने लगातार चलाते रखा है ताकि ये जले नहीं। मैंने इसमें शक्कर डाल दिया था, बूरा शक्कर थी, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। इसका वीडियो नहीं बन पाया है, वीडियो तब क्लिप कट गई थी, नहीं बन पाई है। मैंने इसमें मैंने शक्कर को मिक्सी में पीस लिया था और फिर उसको डाला है। ये देखिए जार में मैंने शक्कर को पीस के रख दिया। अगर आपके पास बूरा शक्कर हो तो वो डाल सकते हैं। आपको लड्डू जितना मीठा या कम मीठा पसंद हो उस हिसाब से शक्कर डालिएगा। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें काट के पहले से ही डाल दिया था, जिस समय बूरा शक्कर पहले मैंने डाला था, क्योंकि उसका वीडियो क्लिप बन नहीं पाया था। और अब इसको जो किनारे किनारे का बेसन है उस सबको हटा के बीच में लाऊंगी। और ये देखिए मैंने फिर से बूरा शक्कर डाला, क्योंकि मुझे लगा रहा था थोड़ा सा कम शक्कर है, इसलिए मैंने थोड़ा और इसमें डाल दिया है। बस अब इतना ही डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका ये हो जाए कि लड्डू बन नहीं रहे हैं तो आप घी इसमें डाल सकते हो ताकि आपके लड्डू बन जाएँ। ये देखिए, आप चाहो तो इसको हाथ से भी मिला सकते हो। मैंने टोटल दो कप शक्कर डाला है मिक्सी में पीस के, उसको महीन करके फिर डाला है। आप चाहो तो इसमें बूरा शक्कर डाल सकते हो। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद लड्डू बनाऊँगी। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसमें शक्कर है वो इसमें अच्छे से मिल जाए। अगर आपको लगता है कि ये गीला ज़्यादा है तो इसमें आप थोड़ा सा बूरा शक्कर और डाल सकते हैं। मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, मुझे इसमें एक भी शक्कर नहीं। आपको अगर कम शक्कर पसंद हो तो इसमें कम डालिएगा शक्कर, ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिया था पहले ही, आपको मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरी जो वीडियो क्लिप थी वो कट गई थी। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिया है पहले ही, आपको नहीं डालना तो स्किप कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको लड्डू बना रही हूँ। आप किसी भी साइज़ में लड्डू बना सकते हैं, ये मैंने छोटे छोटे साइज़ में बनाया है। और अगर आपको लगे कि ये लड्डू बंद नहीं रहे तो आप इसमें ऊपर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे घी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और ये देखिए लड्डू बन गया है। इतना साइज आप ही, आपको अगर इतना साइज़ पसंद हो तो इतना बना सकते हैं, वैसे इतना परफेक्ट साइज़ है। और इसी तरह मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। और ये देखिए दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया है। मैं सारे लड्डू को एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। और ये देखिए बाकी बचे हुए लड्डुओं को मैं बनाए ले रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने बेसन के लड्डू बनाने के लिए जो घर का पिसा हुआ दानेदार बेसन होता है वही वाला यूज़ किया है, उससे लड्डू और बढ़िया बनते हैं। आप चाहो तो बाहर से ख़रीद के पैकेट वाला बेसन जो आता है उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे लड्डू बना सकते हैं। अब सारे लड्डू बन के मेरे तैयार हो गए हैं, ये देखिए सारे लड्डू। और मैंने इसमें दो कप बेसन डाला था और दो कप ही मैंने शक्कर डाला था उसको मिक्सी में पीस के। ये देखिए इतने लड्डू उसमें बने हैं और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा टेस्ट बना है। अगर इसमें कोई भी आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी।